हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टीयर वन के लिए आरबीई का मॉक नंबर 18 को अटेम्प्ट करने वाले हैं और यहां पर ये अवेलेबल हो चुका है और 8 सितंबर को 19 होगा और 20 भी जल्द ही 8 तारीख को शायद कल ही जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को कि देखते इस मॉक में कितना मार्क्स आते हैं। इससे पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक आरबीई के मॉक नहीं दिए हैं तो आप जाके इसको दीजिए, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं। ये क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं बट ये मॉडरेट लेवल होते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ड भी होते हैं। जिस शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड आते हैं उसी के लेवल क्वेश्चन, उसी के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाल कर इस मॉक को तैयार किया जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डाटा भी सेम रहता, नहीं, क्वेश्चन उस बेस्ड पैटर्न होते हैं। क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं मिलेगा बट उस बेस्ड पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इस मॉडरेट क्वेश्चन में अगर आपने ओवरऑल 120 से 130 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो आप इसमें सेफ माने जाते हैं कि इस बार आप क्वालिफाई कर जाएंगे टीयर वन का, ठीक है, कट ऑफ को। तो ये 120 से 130 ये बहुत अच्छा इसका स्कोर अगर किसी का भी आ रहा है तो, अगर 130 से प्लस आ रहा तो बहुत अच्छा मान के चल सकती है आपका तैयारी है, लेकिन 120 से कम आ रहा है तो थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपका एग्जामिनेशन फर्स्ट शिफ्ट यानी कि 9 तारीख में नहीं है, अगर आपका लास्ट में है या बीच में है तो आप इस मॉक को जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इसके अभी हाल फिलहाल से रिलेवेंट हो रहे हैं, लेकिन शुरुआत के दौर में क्या था कि हम लोग को तैयारी उतना रिवीजन नहीं था जिसके कारण से उसमें मॉक में नंबर नहीं आ पा रहे थे। बट अब यहाँ पे रिवीजन बहुत लोगों का हो चुका है तो अभी मार्क्स इसमें जो है अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। अब चलिए रेडी करते हैं बिना कोई देरी के। यहाँ पे हम लैंग्वेज का सिलेक्शन करते हैं और रेडी करते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग बनाएंगे, फिर जीके, फिर इंग्लिश एंड लास्ट में मैथ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, इस आर को कहाँ दिया गया, बीच में। तो ये इन्फिनाइट का साइन बीच में आना चाहिए, बीच में तो नहीं आया। इस आर का साइन का बीच में आया, अच्छा इस पी का साइन बीच में आना चाहिए, तो पी का साइन बीच में दो ऑप्शन में आ रहा है। फिर इसके बाद ये वाला जो साइन है वो थर्ड ऑप्शन में कहाँ यहाँ आ गया, ये इन्फिनाइट का साइन यहाँ पर आना चाहिए था, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्यूट को अगर ऐसा लिखा है, सी का मतलब 3 होता है, यू का मतलब 21 होता है, टी का 20, ई का 5, ठीक है, एफ़ का मतलब 6 होता है, क्यू का मतलब 17 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, ए का मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, प्लस का 2, प्लस है ना, प्लस का 2, यहाँ भी प्लस का 2, 20 और 17 में माइनस का 4, और यहाँ पे भी यहाँ माइनस का 3, सॉरी यहाँ माइनस का 1 हो गया, 3 में से 1 2 आया ना, 3 था 1 हो गया, वहीं बी है तो बी के बाद ए आएगा, यानी कि इसमें बोला था माइनस का 1 होगा, नहीं, तो माइनस का यहाँ पे माइनस का यहाँ प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। और 17 तो ये 20 हो रहा है, यानी प्लस का माइनस का 3 हो रहा है, ये 21 था 27, यानी प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है, कि लॉजिक समझ में आया क्या, ये बना, और यहाँ माइनस का ये 2 हो रहा है। देखते हैं वी और टी ई, वी का मान कितना होता है, तो वी का मान 22 होता है, 22 में 2 गया तो टी आना चाहिए, नहीं गड़बड़ हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो बी के बाद ए, तो ऐसा तो नहीं हुआ। इस क्वेश्चन को जब हम फिर से अटेम्प्ट कर लें, ठीक है, फिर वाई को, चलो अब देखो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना प्लस किया, प्लस का 3, माइनस का 4, प्लस का 3, माइनस का 4, अच्छा वो लॉजिक लग रहा है। ई का मान होता है, वी का मान है 22, 22 में से 4 गया तो 18, यानी कि प्लस का 3 है तो 25, यानी वाई आएगा, ठीक है। और ओ का मान है 15, 15 में 4 गया 11, यानी कि आएगा वाई के बाद के। और टी का मान होता है 20, 20 में से प्लस का 3 तो 23 डब्ल्यू आएगा, जब वाई के डब्ल्यू, वाई के डब्ल्यू आंसर ये होगा, लॉजिक ये था वहाँ पर ना। अब आते हैं यहाँ पर कौन सा वैल्यू आएगा, तो 13 का 13, यानी कि माइनस को डिवाइड कर देते, लास्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं, 15 प्लस 156 माइनस को डिवीज़न 13 into 18, और डिवीज़न को माइनस का 25। देखते हैं 13 × 26 आ गया, 13 × 26, हम यूनिट डिजिट्स खेलते अब हैं, तो 8 × 2 8 × 2 16, 16 × 5 21, 21 का मतलब 1 और 5 कैरी करके 6 आ जाएगा ना, 6 आ रहा है क्या, एकदम आ रहा है, यानी ऑप्शन थर्ड बन, फोर्थ बन रहा है। अगला यहाँ पर है 5 है, 110 है, यानी कि 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें हम कितना घटा दिए, 15 घटा दिए, 10 घटाएंगे 15 घटाएंगे, यानी कि 3 करेंगे तो 110 आ जाएगा, 3 का क्यूब 27 होता है, और 3 × 9 करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। फिर 48 है, 4 का क्यूब 64 होता है, 4 × 12 घटाएंगे तो 6 × 56 आना चाहिए था, 6 का क्यूब 216 होता है, 6 × 3 18 करेंगे तो इतना आना चाहिए था, नहीं,
अगर 5×25 नहीं तो कौन सा इसमें अलग है? हाँ तो 22×5 110 होता है, ती भी कट रहा है, 4 के भी कट रहा है, 6 के बार में भी कट रहा है, तो नहीं होगा। तो क्यूब से कुछ तो रिलेशन दिया है ना, क्यूब के साथ में कोई रिलेशन तो बना है 64। तो एक चीज़ देखो, 5 का क्यूब 125 होता है और 125 में 0 110, यानी 15 कैसे घटाया, तो 5×3 किया होगा, ठीक है। 18 भी है, 27 है, 27 में क्या हुआ, तो 3×3 किया होगा, तभी तो घटा यहाँ पर 9 3 18 गया। 4 का क्यूब 64 है, 3 को 4 12 करेंगे तो 2 आ रहा है, यहाँ 52 आ रहा है, ये क्या कर रहे थे यहाँ पे। और 6 का क्यूब होता 216 और 6 3 18 करेंगे, 6 को 3 बार में, तब भी ये पॉसिबिलिटी नहीं आ रहा ना, 16 8 नहीं आ रहा, 198 आ रहा, ऐसे तो पॉसिबिलिटी नहीं आ रहा है, तो क्या हो सकता है। तो 6 का क्यूब नहीं, ऐसा तो नहीं बन पा रहा, चलो इसको रहने देते हैं। फिर था D"C B, फिर DD, अब DD के बाद यहाँ पे E आ सकता है, ठीक है। तो D के बाद क्या आ सकता है, D के बाद DD फिर E देंगे, तो DE से स्टार्ट हो सकता है, फिर CB DD, DD के बाद क्या, DD के बाद यहाँ पे फिर E आ रहा है, यानी DEE करके ऑप्शन आ रहा है क्या, 2 ऑप्शन आ रहा है। फिर यहाँ पे BDDE, E के बाद क्या आ रहा है, E के बाद फिर C आ रहा है, E के बाद C आ रहा है, और C के बाद क्या आएगा, E के बाद C आ रहा है, C के बाद फिर B आ रहा है। तो ऑप्शन देखो, DEE CB, DEE CB आंसर ही आ रहा है। आगे पूछ रहा है क्या कि 3 के पीछे कौन दिखेगा, 6 2 1 है, 5 2 1 है, 4 5 2 है, तो 6 2 यहाँ है, 2 1 यहाँ है, 6 के पीछे 5 होगा, 6 के पीछे 5 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 2 है, 2 यहाँ पर है, 2 5 यहाँ दिख रहा है, 2 5 यानी 4 के पीछे 1 होगा, तो क्या बोला, 3 के पीछे कौन दिख सकता है, 3 के पीछे 2 दिखेगा, 2 तो आ नहीं रहा है यहाँ पर, 3 के पीछे 2 हो जाएगा, 6 तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। अनरियल को कुछ ऐसा लिखा गया है क्या, अनरियल UNREAL है, क्रिएट को कहला CR, ठीक है ना। तो अराउंड को क्या लिखेंगे, देखो C फिर जैसे C यहाँ लिखा RE, तो AC यहाँ पे सॉरी A होगा, ARO, क्योंकि CRE लिखा, CREATE, AROUND, तो DNUARO, DNUARO। फिर यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा ये फिगर कहाँ देखने को मिलेगा, ये फिगर कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ दिख रहा है क्या, ये पॉसिबिलिटी यहाँ लग रहा है कि मोटा तो हो रहा है, बट हो सकता है कि वही हो जाए, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। ये पतला सा यहाँ पे पतला सा मिल रहा है, ये वाला यहाँ पर ऐसे करके ऐसा, ये आंसर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ फंस रहा है ये लज है ना, ये तो आ रहा है लेकिन और कहीं पे तो नहीं आ रहा है ना, पोर्ट्स रोटेशन पे अलाउ नहीं है। वाई के बाद वाई कमान 25 होता है और यू कमान 21 होता है, तो यानी कि माइनस का 4 कर रहे हैं, और M का मान 13 होता है, I का मान 9 होता है, यानी कि माइनस से 4 लेंगे 17 लेंगे, 17 का बोले तो क्यू से स्टार्ट होगा, क्यू है। और V का मान कितना होता है, V का मान 22 होता है, A का मान होता है 1, यानी कि इसको 1 है तो 26, 27 करते हैं, प्लस का 5 कर देते हैं, A के बाद प्लस का 5 6, A 1 होता 5 6, यानी कि 6 का बोले तो F, क्यू के बाद F आएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला चलते हैं, यहाँ पर 8 19 41 85 है, 8 है 19 है 41 है 85 है, 173 है, बताओ क्या आएगा। तो यहाँ पर 9 का अंतर हुआ, 19 2 22 का अंतर हो जाएगा यहाँ पर ना, 41 और 4 85 44 हो जाएगा, और 73 और 85 देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 8 5 13 6 6 हो गया 8 है 6 हो गया ना, तो 8 6 14 8 5 13 9 6 नहीं ये 6 16 हो गया ना 8 8 16 88 आ गया। यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है मेरे साथ, 8 और 19, अरे सॉरी यहाँ पे 11 का डिफरेंस ना है यार, 11 दुगना होता है ज़्यादा, तो उसका दुगना 166 हो जाएगा, 176 हो जाएगा, 173 जोड़ेंगे, 6 3 9 होना चाहिए, बस एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऐसा हो गया। फिर बोल रहा है कि बताओ कौन होगा, तो ऐसा करो डिवीज़न कहाँ दिख रहा है, तुम पहले लास्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं, 18 -17 -24 डिवीज़न बाय 2 × 4 × 4, ठीक है, पॉसिबिलिटी तो नहीं लग रहा है लास्ट ऑप्शन से, थर्ड ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन 8 × 17 - 24 डिवीज़न बाय 2 माइनस का 4, तो 12 × 2 = 24, अब 8 × 7 = 56, 6 और 4 और 2 6, तो 12 × 4 = 16, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 आ रहा है।
फिर आते हैं थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 18 इंटू 17 माइनस 24 डिवीजन बाय 2 इंटू 4, तो 12 चौके 48 और 8 से 56 6 और 8, 3 हो गया, 4 दूनी 8, 8 से 56 कैरी करके 8 आ जाएगा। ऑप्शन ए सेकंड ऑप्शन पॉसिबिलिटी लग रहा है यूनिट डिजिट से। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा CON, फिर SS, फिर देखो SS, F पहले आ गया यानी 3 से स्टार्ट होगा। अब हमको 4 और 2 में कंफर्म करना है ना, 4 और 2 में SN, 4 और 2 में S यहाँ है, C आ रहा है, 2 आ जाएगा पहले, 2 उसके बाद 3 आ जाएगा, 3 2 तो हो गया, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 के बाद 2 आ रहा है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, फिगर कहाँ देखने को मिल पा रहा है, ये फिगर कहाँ देखने को मिल पाएगा, यहाँ नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सा, कि यहाँ पर स्क्वायर ऐसे बनेगा, नहीं यहाँ पर स्क्वायर है ये नहीं होगा, ये स्क्वायर अगर है तो ये वाला यहाँ बन रहा है ना, यहाँ पर बन रहा है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, ठीक है ये बन गया। आगे चलते हैं, मिरर इमेज पूछा है, क्वेश्चन को मत देखो, WW ये कैंसिल आउट हो गया, W हट गया, आंसर ये आ जाएगा। तो सम बाइक्स ऑल बाइक्स बाईसाइकिल, ऑल बाइक्स क्या है, ऑल बाइक साइकिल है, सम साइकिल्स आर रिक्शा, सम साइकिल्स आर रिक्शाज हैं, ऑल रिक्शा साइकिल, ऑल रिक्शाज क्या है, साइकिल है नहीं, एंड सम बाइक्स, सम साइकिल्स आर बाइक, सम साइकिल्स आर बाइक है, हाँ, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। फिर आता है ब्लड रिलेशन क्या है, सी डी का जी से क्या संबंध है, सी माइनस डी का मतलब होता है ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, तो सी इज़ ब्रदर ऑफ डी, और प्लस का मतलब होता है ए इज़ मदर ऑफ़ बी, तो डी इज़ मदर ऑफ़ ई, और माइनस का मतलब ए इज़ ब्रदर, ई इज़ ब्रदर ऑफ़ एफ, डिवीज़न का मतलब ए इज़ फादर ऑफ़ बी, एफ इज़ फादर ऑफ़ जी, और जी है, और इनटू का मतलब है क्या कि ए इज़ वाइफ ऑफ़ बी, तो जी इज़ वाइफ ऑफ एच, तो हाउ डी रिलेटेड टू जी, हाउ डी रिलेटेड टू जी, तो हाउ डी क्या दादी है यानी कि ग्रैंड मदर है। अगला हाउस को ऐसा लिखा गया है, तो बताओ क्या होगा, एच का मान कितना होता है, 8 होता है, ओ का मान 15 होता है, यू का मान होता है 21, एस का मान 19, ई का मतलब होता है, ई का मतलब 5, देखो 8 5 13, 13 1 14, 14 5 19, और 19 और 9 28, 2 3 4 5 6 68, उसमें से एक हम घटा देते हैं, ठीक है। ब्लेड की बात करते हैं, बी का मान होता है 2, एल का मान होता है 12, ए का मतलब होता है 1, डी का मतलब होता है, डी बोले तो 4, ई का मान होता है 5, पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं रहा इससे, 111 तो आएगा नहीं। अब रिवर्स कर लेते हैं ज़रा, 25 15 26 23, ई का मान 25 है तो 22, ठीक है, तो 5 5 10 10 6 16, 16 5 16 5 कितना 21, 2 2 4 5 2 7 2 9 2 11, यानी रिवर्स करके ला रहा है। पी कितना पता, 16, यानी कि 16 में हम कितना जोड़ दें तो 11 हो जाएगा पी का मान ना, आर का मान 18 यानी कि 9 हो जाएगा, ओ का मान होता 15 तो 12 हो जाएगा, यू का मान होता है 21 तो 6 हो जाएगा, डी का मान होता 4 तो हो जाएगा 23, देखो तो 9 1 10, 10 2 12 12 6 18 3 21, ठीक है, 2 3 4 5 6 61, 61 इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, कोकोनट शेल से रिलेटेड है, लेटर का मतलब कोकोनट से शेल, शेल का मतलब क्या होता है, शेल होता है ना उसका, नारियल शेल से उसी प्रकार समझे, पत्र पत्र किससे संबंध होगा, पत्र कोकोनट शेल बनता है, तब लेटर से क्या बनता है, लेटर से स्टंप इनवलप, लेटर शेल होता है कोकोनट के अंदर, शेल के अंदर कोकोनट होता है, तो इनवलप के अंदर लेटर होता है, वो चीज़ है। 72 इतना है 78 इतना है, तो बताओ क्या कर सकते हैं, तो हम दोनों का डिफरेंस कर ले, 78 और -39 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 आ गया, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 6 39 है तो कितना, 9 4 से गुना 9 6 36, 4 3 12 3 15, 156 आ रहा है, एकदम आ रहा है, तो 82 में से 41 गया, 4 गुना करेंगे एकदम 4 आ जाएगा, तो 92 में से 92 माइनस एक्स, ठीक, जो वैल्यू आएगा उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर 184 आ रहा है, तो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 24 6 चौक 24, यानी 92 से घटा देंगे आंसर आ जाएगा, तो कैरी करके 6 यानी 6 आना चाहिए, ये हो जाएगा 8, तो 40 46 हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं, 28 84 504 है, ठीक है, तो
तो दोनों को जोड़ते हैं 8 4 12, 9 2 11 104, और कितना से गुना कर दें 104 को, 6 से कटे क्या, नहीं 6 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 से नहीं हो पाएगा, 4 से भी नहीं हो पाएगा, तो दोनों का डिफरेंस कर लें क्या। इस क्वेश्चन को 28 - 84 से घटाएंगे, 84 - 24 करते हैं तो कितना 28 आ जाएगा ना, 14 हो जाएगा, 8 6 14, ये 7 हो जाएगा, 5 56, 56 को 4 बार करेंगे, नहीं 56 को हम 9 6 54, 9 6 54, 9 5 45, 45 5 504, ठीक है आ गया। तो यानी क्या किया, पहले हमने 24 और 8 घटा दिए, तो 99 और 33 घटाते हैं, कितना आ जाएगा 6 × 9 करेंगे, 9 6 54 आएगा, पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। उसी बात 1957 घटाएंगे, 57 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17, 8 हो गया, 8 से 9 गुना करेंगे, 9 ही 72, नहीं आया, 111 है, 37 घटाएंगे तो 4 आ गया, 4 × 9, 9 4 36, ये पॉसिबिलिटी लग रहा है। अच्छा अभी दोनों को, इस दोनों को एक आंसर होगा, तो क्या करना है 100 घटाएंगे तो 4 आ गया, 37 11 हो गया, 0 10, 74 हो गया, 9 4 36, 9 7 63, 63 66, यानी लास्ट का ऑप्शन पॉसिबिलिटी आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, ये पी उठ के कहाँ गया, ये पी उठ के लास्ट में आया, ये एस उठ के लास्ट में आएगा, एक ही ऑप्शन में लास्ट में आ रहा है, 1 2 4 8 10 20 है, तो 1 है 2 है 4 है 8 है 10 है 20 है, यहाँ पे दुगुना किया, यहाँ का प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 1 किया, यहाँ दुगुना किया, यहाँ प्लस का 4 किया, यहाँ पे प्लस का 2 हुआ, तो ये चीज़ तो ऐसा नहीं आ रहा है, ये चीज़ हमको ये समझ में आ रहा गया, यानी कि देखो 20 हुआ ना, यहाँ पे दुगुना हो गया, यहाँ प्लस का 2 हुआ, यहाँ पर दुगुना हुआ, यहाँ प्लस का 2 हुआ, यहाँ भी दुगुना हुआ, तो प्लस का 2 करेंगे 22 ही आ पाएगा, ठीक है ना। चलो अगला बोल रहा है कि अनफोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये फिगर यहाँ भी आएगा और ये फिगर इधर भी आएगा, तो ये 4 फिगर बनेगा यहाँ पर, और सर्किल ऐसा, सर्किल ऐसा, ये तो गड़बड़ हो गया, ये यहाँ ये नहीं, ये भी गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो जाएगा एकदम, क्योंकि सामना सामने आएगा और बीच के है ना, तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है, हाँ ये पॉसिबिलिटी आ रहा है। चलो फिर जे जी एन, जे का मतलब कितना 10, जी का मतलब 7, एन का मतलब 14, 3 होता है, तो प्लस माइनस का 3, प्लस का 7 हो गया, पी का मतलब 16 होता है, एम का मतलब 13 होता है, और एस का मतलब 19 होता है, माइनस का 3, प्लस का 6 हो गया, ठीक है ना। तो आर का मतलब कितना होता है, आर का मतलब होता है 18, वाई का मतलब वाई का मतलब 25, यहाँ पे प्लस का 7 हो रहा है, गड़बड़ कहाँ हो गया, एस वाला में, ई का मान 5 होता है, एल का मान 12 होता है, 7 को हो गया, ठीक है। अब आते हैं ऑल चीज़ आर क्रिकेट, ऑल चीज़ क्या है, क्रिकेट है, ऑल चीज़ क्या है, क्रिकेट है, एंड ऑल क्रिकेट्स क्या है, कबड्डी है, ऑल क्रिकेट्स क्या है, कबड्डी है, तो क्वेश्चन क्या है कि सम चीज़ आर नोट कबड्डी, सम चीज़ आर नोट कबड्डी, बात गलत है, सम कबड्डी आर चीज़, सम कबड्डी आर चीज़, हाँ ये ओनली कंक्लूजन टू फॉलो कर पा रहा है, यानी कि एक क्वेश्चन छूटा मेरे रीजनिंग के अंदर, वो कौन क्वेश्चन छोड़े हम हैं, इस क्वेश्चन को बाद देख लेंगे ना। चलो जीके पे आते हैं, सुल्तान जौहर कप किससे संबंध है, जोहार कप, सुल्तान जौहर, सुल्तान जौहर कप किससे है, अजलान कप जो था वो हॉकी से संबंध था, तो गोल्फ हो सकता है, जौहर कप हॉकी से तो नहीं होगा, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स इमोशनल रीच इन आवर बॉडी, हाइपोथैलेमस कहते हैं ना। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिमालयन माउंटिंग इज नॉट करेक्ट, गलत बताना है, द चैन लोकेटेड इन साउथ एडजेसेंट टू हिमाद्री स्कूल शिवालिक, इन चैन लोकेटेड इन साउथ एडजेसेंट टू हिमाद्री, हिमाद्री का साउथ में शिवालिक कहते हैं, ये बात तो सही है। शिवालिक रेंज कंसिस्ट ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट ब्रॉड बाई रिवर्स, द कोर ऑफ हिमाद्री इज मेड ऑफ ग्रेनाइट, द नदर्न मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ इसकोल हिमाद्री, नदर्न पास्ट को हम हिमाद्री कहते हैं, बात तो सही है, हिमाद्री शिवालिक और हिमाद्री शिवालिक एक और होता है हिमाचल, एकदम नदर्न पास्ट एकदम सही है, ग्रेनाइट से बने होते हैं क्या, ग्रेनाइट का कन्फ्यूजन है। शिवालिक रेंज कंसिस्ट ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट ब्रॉड बाई रिवर्स, ये भी बात तो सही है, शिवालिक रेंज जो है ना रिवर के द्वारा बनते हैं, शिवालिक श्रेणी में नदियों द्वारा लाए गए असंगठित तलछट शामिल होते हैं, हिमाद्री का मुख्य भाग ग्रेनाइट से बना है, मैटम अंदर से तो निकल के आता रहा है, ऊपर बाहर निकल रहा है भाई, इसमें से ये इधर में कन्फ्यूजन है। गंगोर कहाँ का, राजस्थान का है, चीफ मिनिस्टर वयोश्री योजना कहाँ का, वयोश्री योजना कहाँ का, वयोश्री योजना लॉन्च बाई किस स्टेट, तो वयोश्री कहाँ का था, वयोश्री मुख्यमंत्री वयोश्री कहाँ का था, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना महाराष्ट्र का था कहीं, वयोश्री शायद महाराष्ट्र का था शायद, द हुंड्रू फॉल, तो हुंड्रू सुवर्णरेखा नदी पर है ना, हुंड्रू फॉल,
अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन परसेंटेज पूछा है। ऐसे तो मध्य प्रदेश ही होना चाहिए था, हिंदू परसेंटेज की बात पूछ रहा है ना। हिमाचल प्रदेश तो छोड़ ही देते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड यूज इन प्योरिफिकेशन में नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोनोआर्कल स्टेट दैट एग्जिस्ट इन 7th and 6th century। कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता था 7th और 6th century में? मगध, वैशाली, वैशाली नहीं था, अवंती कौशल था, वैशाली कोई नहीं था, वो था वज्जी था वो, ठीक है ना। गुरु वेम्पाती चिन्ना सत्याम, तो गुरु वेम्पाती तो पूरी खाती कच्ची पूरी। वो अमंग द फ्लोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत अपॉइंटिंग ग्यासुद्दीन बलबन एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो इल्तुतमिश था क्या? नसीरुद्दीन महमूद था जिसने अपॉइंट तो किया था, बाद में इसे हटा के ख़त्म किया गया। मुइज़ुद्दीन बहराम यह हो सकता है, नहीं तो नसीरुद्दीन महमूद, इधर को एक था। डैश अकर्स वेन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है इसके रेवेन्यू से, तो क्या कहते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर है तो फिस्कल डिफिसिट कहलाता है, ना कि रेवेन्यू डिफिसिट। बजटरी डिफिसिट होगा क्या? एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम बोरोइंग, बोरोइंग से छोड़ने, या बोला एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम बोरोइंग यानी हम उधार छोड़ देते हैं, तो क्या कहलाएगा? जब व्हेन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड दैट रेवेन्यू दैट इट जनरेट, अगर हम उधार को छोड़ते हैं, फिस्कल डिफिसिट का मतलब उधार को जोड़ के लगते हैं ना, रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब रेवेन्यू की बात कर, टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड द दैट रेवेन्यू दैट इट जनरेट्स, तो रेवेन्यू डिफिसिट होता है क्या? बजटरी डिफिसिट भी हो सकता है। हाँ, करंट अकाउंट, भाई सब तो अच्छा ही क्वेश्चन में पूछा, इसको छोड़ देते हैं, इसको है। बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सेशन INC जॉर्ज जूली बिकम द पर्सन 1888 मद्रास का था। पहला तुम्हारा 85 में कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र, फिर 86 अहमदाबाद में शायद था, मद्रास तो नहीं इलाहाबाद था, मद्रास में तो क्या था, मुंबई को मुसलमान था को। विच ऑफ द फ्लोइंग हिंदुस्तानी सिंगर फ्रॉम इलाहाबाद जिसको गौहर खान के नाम से जाना जाता है, परफॉर्म किया था दिल्ली दरबार 1911 में, कोई पता नहीं कौन था। डैश इज द हेवीस्ट नेचुरल एलिमेंट इन द पीरियड टेबल जिसका एटॉमिक मास 238 होता है, यूरेनियम। द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट विद इक्वल क्लाउड कवर इज कॉल्ड, तो क्या बोलता है? लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स विद इक्वल क्लाउड ऑफ कवर, आइसोबार का मतलब प्रेशर होता है। आइसो हाइट होगा क्या? आइसो हाइट का आइसो टैग नहीं होगा, आइसो हाइट का मतलब हिंदी में क्या लिखा? आइसो हाइट ही लिखा था, हाइट से याद हो सकता है, हाइट याद किए थे कहीं से, क्लाउड को ध्यान तो नहीं है, लेकिन मार देते हैं। जानकी प्रसाद किस कथा के किस घराने से है नहीं पता। विच साइंटिस्ट वन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1918 फॉर एनर्जी क्वांटम के लिए, क्वांटा के लिए? मैक्स प्लैंक, क्वांटम थ्योरी कौन दिया था? मैक्स प्लैंक ने दिया था ना, तो दे देते हैं उसको ही, पता नहीं क्या होगा। विच डैश होल्ड ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन टिल इमीडिएट बिफोर द फर्स्ट मीटिंग लोकसभा आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ, क्या बोल रहा है? डैश अपने निर्वाचन के तिथि से लेकर उस लोकसभा के विघटन के बाद की पहली बैठक से ठीक पहले तक बने रहता जिसके लिए वह निर्वाचित हुआ होता है। तो स्पीकर होल्ड ऑफिस फ्रॉम डेट ऑफ इलेक्शन ऑफिस हर इलेक्शन टिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा, हाँ तो लोकसभा स्पीकर ही होता है। आरएलसी कहाँ देखने को मिला? किस दो कंट्री आरएलसी किसके बीच में है? आरएलसी पढ़े तो हैं, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सूख गया शायद ये था, ऐसा कुछ पढ़े थे। विच स्टेट गवर्नमेंट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हैज़ इम्पोज लिक्विड नाइट्रोजन पे बैन लगा दिया है, नई जानकारी है। द पार्लियामेंट हैज़ बीन गिवन पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या मतलब? पार्लियामेंट हैज़ गिवन पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप, पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है ना, आर्टिकल 11 कहता है, आर्टिकल 975 तो नहीं है। हु वॉज ऑनर विद वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज लिटरी बाई द WHO ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस, क्या पूछा है देखे जरा? विश्व लेखक संगठन के द्वारा है ना, हाँ ममता सागर था इसका, हाँ कहीं तो पढ़े ममता सागर पढ़े हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ हार्मोन सेक्रेट बाई आइलेट ऑफ लैंग्रेजेंस, क्या आइलेट कौन हार्मोन नहीं है? ग्लूकोन है, ग्लूकोगन है, इंसुलिन भी है, सोमाटास्टैटिन, ये दोनों कोई आंसर नहीं, तो उसको मार देते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम अ कार टू कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, नहीं पता, GK क्वेश्चन अच्छा था। ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश द न्यू प्रोजेक्ट, ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट्स। सी सेड टू मी आई लव बीचेस, सी सेड टू हिम, तो सी टोल्ड हिम दैट सी लव्ड बीचेस, सी लव्ड हो जाएगा, सी लव्ड बीचेस, सी लव होगा आई लव बीचेस, तो पास्ट में सी टोल्ड हिम दैट सी लव्ड बीचेस। एज सीला वॉज फीलिंग अनवेल दैट्स वाई सी डिसाइडेड टू स्टे होम इंस्टेड ऑफ गोइंग उदय पाती, एज सीला वॉज फीलिंग अनवेल, एज सीला वॉज फीलिंग अनवेल, सो अनवेल
एज सीला वॉज फीलिंग अनवेल सो दैट तो इसीलिए वो डिसाइड कि वो घर पे ही रहेगी, क्योंकि इस डिसाइड तो अनवेल एज सीला वॉज फीलिंग अनवेल तो सी डिसाइडेड टू स्टे होम इंस्टेड गोइंग टू पार्टी. एज सीला वॉज फीलिंग अनवेल सो दैट होगा ना, सो दैट उसके बाद वो नहीं जाना चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर आई एन सही है, इनइविटेबल डिबिलिटेटिंग एक्सकर्वेटेड इनकरेक्टली. इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, इनइविटेबल भी सही है. इनइविटेबल बोलते हैं इवेंटेबल जो है, इवेंट नहीं वो रोका नहीं जा सकता. एक्सकर्वेटेड डिबिलिटेटिंग DEBILITATE हो सकता है, ये गड़बड़ हो सकता है. द न्यू कंपनी विल लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट ईयर. पैसिव वर्ब विल है तो विल होगा, लॉन्च है तो विल बी लॉन्च होना चाहिए. विल बी लॉन्च बाई अ न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट ईयर. द कंपनी अ न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च बाई कंपनी नेक्स्ट ईयर. अ पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन नोटोरियस. मीक मतलब क्या होता है, मीक हम क्या कहीं याद किया. मीक मतलब असर्टिव एग्रेसिव बोल्ड और सबमिसिव. सिनोनिम पूछा है, असर्टिव मतलब असर्टिव होना, पॉजिटिव एग्रेसिव बोल्ड और सबमिसिव. मीक कहीं तो पढ़े थे, मीक कैसे पढ़े थे, मीक याद नहीं कर पाए थे या भूल गए. मेटिकुलस का मतलब क्या है, एंटोनिम पूछा है. मेटिकुलस पर्सन है तो चाउटिक अलर्ट स्क्रूपुलस एंड कॉवर्ड. मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा व्यक्ति, बहुत बड़ा अच्छा व्यक्ति ना. देखते हैं क्या होगा. सेजल यूज टंग टू पिक अप द हॉट कॉल्स फ्रॉम द फायर. सेजल यूज टोंग टू पिक अप द हॉट कॉल्स फ्रॉम द फायर. तो यूज नहीं होना चाहिए. सेजल यूज इज टोंग टू पिक अप द डिस्परेट. क्या पूछता है, एडियम बताना है. डिस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डिस्परेट मेजर्स व्हेन सिचुएशन अर्जेंट एक्सट्रीमली एक्शन में भी नेसेसरी. डिस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डिस्परेट मेजर्स, सिचुएशन अर्जेंट हो तो आदमी को एक्शन लेना चाहिए. दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ द टू ऑप्शन अवेलेबल. दो ऑप्शन ही बोल रहा है तो बेस्ट बेटर दो था क्या, गुड बेटर ही होगा ना, क्योंकि बेटर में तो ये होगा, बेस्ट नहीं होगा, बेटर ही होगा. द कंपनी चूज डिस्कार्ड द प्रोटोटाइप आफ्टर इट फेल द क्वालिटी टेस्ट. डिस्कार्ड का मतलब हटा देना, एबंडन कर देना. प्रिजर्व रिटेन तो होगा नहीं, सिनोनिम पूछा था. द मैनेजर वॉज नॉट इम्प्रेस विथ हिज डैश फॉर अराइविंग लेट टू वर्क. तो द मैनेजर वॉज नॉट इम्प्रेस विथ हिज फॉल्स एक्सक्यूज फॉर अराइविंग सीरियस एक्सक्यूज लेम एक्सक्यूज. द मैनेजर वॉज नॉट इम्प्रेस विथ हिज फॉल्स एक्सक्यूज फॉर अराइविंग लेट टू वर्क. लेट आने को फॉल्स एक्सक्यूज इम्प्रेस नहीं हुआ. आफ्टर अ लॉन्ग डेट वर्क ही इंजॉय मेलो इवनिंग विथ अ गुड बुक एंड कप ऑफ टी. एंटोनी ने पूछा तो टेंस हो जाएगा, मेलो इवनिंग ही इंजॉय टेंस. ठीक है. द न्यू रेस्टोरेंट फूड वॉज अ डैश द हाई स्टैंडर्ड ऑफ द रिनोन्ड सेफ यू यूज टू रन इट. द न्यू रेस्टोरेंट फूड वॉज अ फेस अप टू द हाई स्टैंडर्ड. फूड इन द माउथ फेयर वेदी फार क्राई फ्रॉम द हाई. फेस अप टू द हाई स्टैंडर्ड पता नहीं क्या होगा. फुट इन द माउथ मतलब नहीं होगा. इफ़ यू वर्क हार्ड एज यू विल नॉट पास द एग्जाम. Unless you work hard, you will not be examination pass करेगा. ठीक है. अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रोनाउन की बात कर रहे हैं. सैली वॉज थ्रिल्ड विद इट्स विनिंग फॉर द फर्स्ट प्राइज इन द आर्ट कॉन्टेस्ट. तो सैली वॉज थ्रिल्ड विद इट्स विनिंग. तो सैली वॉज थ्रिल्ड विद हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन द आर्ट कॉन्टेस्ट. विथ हर होगा ये. ही हैज़ कम्प्लीटिंग हिज असाइनमेंट एंड सबमिटेड इट टू द प्रोफेसर. कंटेंस ग्रामर. He has completed his assignment. He has होगा submitted, completed होना चाहिए शायद.
टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. मेनी पीपल रिलाई ऑन गैजेट फॉर दियर डेली लाइफ एक्टिविटीज. दिस रिलायंस हैज़ इंक्रीज विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. हाउ एवर, तो एस लास्ट में तो आना ही चाहिए, हाउ एवर जब आएगा तो ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट इतना. तो हमको लग रहा है पी क्यू आर एस सी आंसर हो जाएगा. तो मेनी पीपल रिलाई ऑन द गैजेट्स फॉर दियर डेली एक्टिविटीज. टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम, बहुत सारे टेक्नोलॉजी बहुत इंटीग्रल पार्ट बन गया, इसलिए बहुत सारे लोग इस पर. तो पी क्यू आर एस सी हमको लग रहा है आंसर हो जाएगा. या इनकरेक्टली स्पेल बताना है हर कौन कौन मल्टी, ठीक है. कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी गलत लग रहा हमें है. मल्टी कल्चरल सही है. चैलेंजेस कहाँ, चैलेंजेस, चैलेंजेस सी एच ए एल, चैलेंजेस सही. इमिग्रेशन कहाँ गया, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन आई एम इमिग्रेशन, ये भी सही है. तो कंटेम्परेरी गलती है, सी ओ एन टी एम पी ओ आर ए आर वाई होता है ना. हाँ, सैम वॉज यंग डिटेक्टिव नॉन फॉर इज शार्प माइंड, ठीक है. वन इवनिंग ही रिसीव अ कॉल अबाउट अ डैश एट द ओल्ड मैंशन. वन इवनिंग ही रिसीव अ कॉल अबाउट अ मीटिंग. अच्छा, वन इवनिंग ही रिसीव अ कॉल अबाउट अ रॉबरी एट द ओल्ड मैंशन. ही रश टू द सीन एंड फाउंड द, हाँ रॉबरी होगा, अबाउट अ रॉबर. ही रश टू द सीन एंड फाउंड दैट डोर फुल्ली ओपन, फुल्ली ओपन था. एज ही स्टेप इनसाइड, जैसे वो अंदर गया, ही नोटिस दैट, ही नोटिस दाइस फुटप्रिंट ऑन द डस्टी फ्लोर. ही नोटिस वेट ने मडी होगा, मडी फुटप्रिंट्स ऑन द डस्टी फ्लोर. डस्टी फ्लोर के ऊपर क्या वेट ने, डस्टी है तो वेट होगा ना. सैम फॉलो द ट्रायल एंड डिस्कवर अ हिडन डैश इन द लाइब्रेरी. सैम फॉलो द ट्रायल एंड डिस्कवर अ हिडन डोर इन द लाइब्रेरी. डिस्कवर्ड अ हिडन डोर इनसाइड ही फाउंड अ स्टोलन पेंटिंग. हिज क्विक थिंकिंग एंड कीन ऑब्जर्वेशन लेड टू द डैश ऑफ द थीव. तो ही क्विक थिंकिंग एंड कीन ऑब्जर्वेशन लेड टू द कैप्चर ऑफ द थीव्स. कैप्चर करने में मदद किया होगा. चलो तो ये हो गया है, अब आते हैं इन मैथ के ऊपर. दो सर्कल से विद सेंटर बी एंड डी हैव रेडियस ए डी और बी सी इतना है. ए सी टेंजेंट है तो बताओ मान क्या होगा. एक दो सर्किल है विद सेंटर बी एंड डी, दो सर्किल है बी और डी है ना, बी है और सर्किल एक डी है. ये क्या बोल रहा है, ए बी, अच्छा इंटरसेक्ट भी कर रहा है ना. बी है, दो सर्किल बी और डी है जिसका रेडियस ए का मान है ए डी. ए का नाम है ए डी, ए डी है, ए का मान है बी सी. एक सेंटीमीटर, ये एक सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर. ए सी इज़ ए टेंजेंट, और ए सी क्या है, टेंजेंट है. ए सी इज़ ए टेंजेंट एंड डी बी एंड ए सी, डी बी एंड ए सी इंटरसेक्ट कर रहा है. इस क्वेश्चन को भी रखते हैं अभी बाद में. फिर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रखो बाद में. ये कौन, अंकिता सोल 3 टॉय. द फर्स्ट टॉय वॉज फोल्ड 1500 एट अ प्रॉफिट इतना. सेकेंड टॉय को 2800 एट लॉस इतना. एंड थर्ड टॉय को इतना. फाइंड द टोटल परसेंटेज, ठीक है. तो द फर्स्ट टॉय वॉज सोल्ड फॉर 1500 में बेची, यानी 25% प्रॉफिट हुआ, यानी कि 5/4, ठीक है, यानी 1200 में खरीदी थी, ठीक. दूसरा, इस सेकेंड टॉय वॉज सोल्ड 2800 में, 50% का नुकसान हुआ, यानी कि 2/1 हो गया, यानी 14 तो यह 5600 का था ये, ठीक है. थर्ड की बात करते हैं 25%, तो 25 का मतलब हो गया 5/4, यानी कि 7 × 2800 का था. बताओ फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ. 2800 + 12 = 40 हो गया, 96, 4096 का हो गया. फिर आते हैं 3500 और 15, 5000, 5000 7800. नुकसान तो हुआ, कितना का नुकसान देख रहा है हमको 78 में, 1618 का नुकसान हो गया, 1800 का नुकसान हुआ किसके कंपेरिज में, 9600 को रिस्पेक्ट में. 96 तो काटेंगे 9 से कटेगा नहीं, 6 × 18, 3 × 9 = 3, 2 = 6, ठीक है. तो 3 से काटे ना, 3 ठीक है, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 से थोड़ी कटेगा, 2 से कटेगा ना. तो 2 को 3 बार में, 16 × 2 = 32, 3/16 आ रहा है, 3.0, 16 × 16, ठीक है, 4 × 14 = 0. 16 को हम कितने बार देंगे, 8 × 48, 8 × 4 = 12, 16 × 8 = 18% के आसपास का लॉस होगा, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा. आगे चलते हैं, अगर x का मान 9 है तो बताओ वैल्यू क्या होगा. तो वैल्यू पुट करना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा हमें, हाँ अगर हम यूनिट डिजिट से खेल खेलेंगे तो हो सके आंसर आ जाए, ठीक है. तो 9^5 है, तो 9^5 है, यानी कि 9² कितना, 9×9 = 81, फिर 81 एक, और यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 आ गया. फिर -10 इतना है,
तो 10 इंटू और कुछ भी करेंगे तो ज़ीरो तो आएगा यहाँ पर, ज़ीरो प्लस अब एक्स पे पार्ट इतना है तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, ज़ीरो ही आएगा माइनस, यहाँ भी ज़ीरो आएगा, यहाँ भी ज़ीरो ही आएगा, माइनस का एक हो गया तो ज़ीरो ज़ीरो हो गया, नौ में से एक आठ आना चाहिए तो यानी वैल्यू कुछ आठ करके वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट वही एक आ रहा वैल्यू आठ का। चलो उसके बाद इलेक्शन हुआ, छोड़ दो क्वेश्चन लंबा चौड़ा है। एक बोट है ट्रेवल करता 19.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 56 मिनट, तो डाउन स्ट्रीम है वी प्लस यू, स्पीड कितना, डिस्टेंस है 19.6 एंड है 56 मिनट, अगर 56 को हम भागा 60 कर देते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आवर में, अगर स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर पर आवर है तो 56 से कितना कटेगा ये, 14 से कटेगा 196, 14 से हाँ कटेगा ना, 14 चौक 56, 14 का 14 बार में, फिर कटेगा 7 का ये कितना से गई, 14 आ गया, 14 4 ना आ जाएगा, 4 15 चौक 60, ठीक है, तो 14 पच्चे 70, 14 एकम 14, 7 4 11 21, 21 किलोमीटर आ गया। यू का मान कितना है, 4 है, यानी भी का मान आ गया 17 किलोमीटर। ठीक है, हाउ मच टाइम विल बोट टेक 78 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में 17 में से 4 गया, 17 में से 4 गया कितना जाएगा, 13 6 78, 6 घंटा, सही इसका आंसर आ जाएगा। फिर बोलता है ए और बी किसी काम को 30 दिन में करता है, बी और सी किसी काम को 50 दिन में। जब क्वेश्चन जो बनने लायक होता है ना उसको बना ही लेना चाहिए, फिर हमको जितना क्वेश्चन छोड़े बनने लायक मुझे नहीं लग रहा था एक बार में, इसलिए छोड़ दिया 50। और ए और सी को 24 दिन में करते हैं, कितना आ जाएगा इसके एलसीएम, 120 नहीं तो 30 और 50 और 24 का हम एलसीएम नहीं निकाल लेते हैं, क्यों टाइम इतना बर्बाद करें। और ए प्लस बी प्लस सी डी इसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है 20 दिन भी लेना पड़ेगा ना, 20 का भी आ जाएगा। तो बताओ 2 से काटेंगे 15, 2 से काटेंगे 25, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 10, 2 से काट सकते हैं अब है 2 का 15, 2 का 25, 2 का 6, 2 का 5, 5 से काटेंगे 5 का 3 बार में, 5 का 5 बार में, 5 का नहीं कटेगा 5 का एक बार में, अब नहीं कटेगा ना, 3 से कटेगा एकदम कटेगा, 3 एकम 3, 5 और 3 दूनी 6, 10 तो से ले जाएगा, तो 5 थी या 15, 15 ये हो गया और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 15 चौक 60 यानी 600 आ गया टोटल, तो 20 आ जाएगा, बी प्लस सी 15 50 एकम 50, 12 पच्चीस 60, हाँ 24 का है तो 24 दूनी 48, 24 2 दूनी 4, 4 थी 12 25 हो जाएगा ना 25, और 20 है तो 20 का 30 बार आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज डी कैन कम्प्लीट द वर्क, अगर हम सबको जोड़ते हैं ना ए प्लस बी प्लस सी का कितना एफिशिएंसी आ रहा है, तो 5 2 7 57, यानी कि इसका तीनों का मिलकर 19 आ गया, यानी 13 19 है तो 11 आ रहा है, तो कितने दिन में वो कंप्लीट कर पाएगा अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है क्या, नहीं ना, ना तो 5 2 7 ए प्लस बी प्लस सी डी का निकाल दिए ना, तो ए प्लस बी प्लस सी डी सब मिलकर काम कितना कर रहा है 57 है, और 3 से काटेंगे 3 एकम 3 9 27 19 आ गया, तो 19 और 11 करेंगे तभी तो 30 होगा, और 600 से भागा दे रहे हैं तो 11 चौक 44 तो 6 0 160, 11 को हम कितना बार में करेंगे, नहीं तो 11 पच्चे 55 हो जाएगा, 55 तो नहीं आने वाला है, ये तो कुछ गड़बड़ हम कर चुके हैं क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सेव कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक इसको हम जो है ना सेव कर लेते हैं अपना, इसको बाद में हम एक बार चेक कर लेंगे लास्ट में, क्वेश्चन तो थे बनने लायक लेकिन बनाने हैं। चलो आते हैं आगे चलते हैं, इसको भी रखेंगे मार्क में। ए फास्ट लोकल मुंबई 45 मिनट लेस देन ए फास्ट लोकल ऑफ मुंबई टेक्स 45 मिनट लेस देन अ स्लो लोकल फॉर ट्रेन 150 किलोमीटर, इफ द स्पीड ऑफ लोकल ट्रेन 10 किलोमीटर मोर देन द स्लोएस्ट देन फाइंड दिस। जर्नी बोल रहा है 150 किलोमीटर का, जर्नी बोलता है 150 किलोमीटर का, स्पीड क्या बोल रहा है बढ़ा रहा है, इफ द स्पीड ऑफ फास्ट मोर देन इतना तो भी प्लस 10 कर देता है, ठीक है देन तो 10 यहाँ पर डिफरेंस है 45 मिनट यहाँ पर कम लग जाएगा ना, तो 45 बटे 60, ठीक है तो अब क्या कर सकते हैं, तो 15 या 45, 15 चौक 60, 3 से काटेंगे 50 तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 यानी कि 2000, 2000 और वी स्क्वायर माइनस 10 वी माइनस 20,000, तो हमको क्या लग रहा है यहाँ पर, एक तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वी स्क्वायर माइनस 20 वी माइनस 10 वी, ठीक है ना, माइनस 20,000 करके आएगा, तो भी अगर कॉमन लेते हैं तो भी माइनस 20 आ रहा है, माइनस 10 ले रहे हैं तो भी माइनस
20 आ रहा है, नहीं तो 200 हुआ ना, ये तो गड़बड़ है। 200 × 10 भी लेंगे तभी नहीं होगा, तो 2000 का कितना 50 और 40 लेना पड़ेगा। अच्छा तो ये 50 और 40 लेना पड़ेगा, एक पॉजिटिव -40 और प्लस का 40 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो भी कॉमन लिए माइनस कर लेंगे तो प्लस कर लेंगे तभी तो होगा। भी कमांड 20 निकल रहा है तो फाइंड द स्पीड ऑफ फाइंड, तो भी कमांड 50 आ रहा है ना, 50 आएगा इसका आंसर, 50 तो नहीं है। फाइंड द स्पीड ऑफ लोकल ट्रेन, तो भी कमांड आ गया 50, तो ये भी कमांड 40 हो जाएगा क्योंकि स्लो का पूछ रहा है तो फास्ट का 50 था ना। अगला क्वेश्चन आते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कमांड √2 cos θ है, इसका मतलब क्या, थीटा कमांड जब 45 डिग्री लेते हैं ना तभी ये वैल्यू पॉसिबल होता है, क्योंकि 1/√2 जोड़ के होता है। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 0 हो गया नहीं आंसर, तो गड़बड़ हो गया आंसर। साइन थीटा प्लस कोस थीटा है तो 1 − tan θ, 1 − cot θ ही कह रहा है। कॉट थीटा का मान 1 − 1 0 तो हो जाएगा 45 में, कि हो गया 1/√2 + 1/√2। अच्छा यहाँ पर कॉस थीटा भी वहाँ दिया हुआ है ना, अच्छा वहाँ भी कॉस थीटा दिया हुआ है, तो ये वैल्यू अलग ही होगा। तो साइन बटे कोस, तो साइन बटे टेन हो गया, टेन प्लस वन बराबर हो गया √2। ठीक है, तो टेन थीटा स्क्वल टू क्या हो जाएगा, √2 − 1। तो यहाँ पे हम क्या निकाल पा रहे हैं, 1 − cot θ। ठीक है, रिवर्स कर देंगे आंसर को, तो 1/√2 क्या लिखेंगे, तो कॉट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 1/√2 − 1 √2 + 1। ठीक, तो वैल्यू तो नीचे हट गया, तो 1 − √2 और −1, 1 से 1 करके −√2, इसका सही आंसर आ जाएगा। फिर बोलता है एक ड्रिंक इज मेड बाय मिक्सिंग वाटर एंड लेमन जूस 11:9 है, इफ 2x वाटर एंड 3x जूस आर मिक्स इन 2 L ड्रिंक देन इतना इतना ड्रिंक बन जाएगा। 11 × 9 है, क्या है ये, वाटर एंड जूस है। इफ़ 2x वाटर, अगर 2x वाटर एंड 3x जोड़ा गया, कहाँ, इन 2 L ऑफ मिल्क में, तो 3 × 2 = 5x, बराबर 2 L, यानी कि 5 × 20 यानी कि 80 L, ये 80 L ये जोड़ा गया और 120 L ये जोड़ा गया, तो 13:15 बन जाएगा, 13:15 है। तो क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक क्या होगा, ठीक है, तो हम एक ही बोलेंगे 11x + 80, ठीक, बटे 9x + 120 = 13/15 हो जाएगा, ऐसा कुछ करके आएगा वैल्यू ना। तो ये कैलकुलेशन बनेगा खाली यहाँ पर, 15 × 11 एक्स माइनस 13 × 9x कर देते इधर, ठीक है, बराबर 120 × 13 कर देंगे इधर, −15 × 80 कर देंगे इधर, ठीक है, तो हो सकता है वैल्यू यहीं से निकल के आ जाएगा। तो 12 × 36 12 × 12 यानी कि हम बोलेंगे 156 यानी 1560 आ गया, 15 × 120 यानी कि 1200 से घटा देंगे, तो 0, 6 और 360 आ रहा है, 15 × 15 यानी 165 आ गया, और 9 × 27 बाकी का 2, 9 × 9 = 11 117 आ गया, तो 15 हो जाएगा, 8 × 15 ये हो जाएगा 5 × 48x बराबर हो जाएगा 360/48। ठीक है, 16 से 8 से काटेंगे, 9 से काटेगा नहीं, 12 है तो 3 से काटेंगे 16, 3 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 × 12 = 48 4 × 90, ठीक है, फिर 4 से, फिर 3 से काटेंगे, फिर 4 से काटें नहीं, 3 से, 3 × 9 30 × 90 3 × 30 = 30/4 2/15 एक्स का मान 15/2 आ रहा है, तो क्या बोल रहा है कि बताओ क्या होगा, तो 11x + 9x यानी कि हो जाएगा 20x हो गया प्लस × 15/2 हो जाएगा × 15/2 15 × 300 तो काटेंगे 10, 150 हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, छोड़ो इस क्वेश्चन को, बहुत बर्बाद ही टाइम कर दिए। सिंप्लीफाई करना, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब हुआ साइन है, तो बस सिंपल सा क्या है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन इंटू कॉस हो जाएगा, ये तो 1 हो गया माइनस साइन ए इंटू कॉस हो जाएगा आंसर। बोलता है इफ द कंपनी हैज इशू 8 लाख शेयर्स बिटवीन इट्स 6 पार्टनर, 6 पार्टनर में बांटा, 8 लाख इशू किया, ठीक है, इफ वर्मा ऑफर्स टू सेल 1,000 शेयर टू पांडे देन हाउ मेनी शेयर्स विल पांडे हैव, तो 100% है, तो 100% बराबर कितना हो गया, 8 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, 10 × 10 = 1,000 1% बराबर कितना आ जाएगा, 1% बराबर 20 से चला गया 20 8000, ठीक है, अगर वर्मा को बोला कि भेज दो तो 8 थे 24,000 उसके पास था, 8 उसमें से बोला 10 भेज दो 24,000 था, तो अब पूरा 14,000 उसके पास बच रहा है,
किसके पास? टू पांड्या। पांड्या के पास कितना? 5 था 8 5 40। पांडे के पास कितना था? 8000 8 5 40 हो गया 40,000। और उसके पास 10,000 और आ जाएगा तो 50,000 के आसपास है वैल्यू। क्या है ये बोलता है? एक राइट सर्कुलर स्फीयर है, होलो स्फीयर है जिसका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है। यानी कि कैपिटल स्मॉल आर कितना दिया हुआ है? एक्सटर्नल है। और कैपिटल आर हमको दिया हुआ है कितना? 12 है तो 6 हो गया, और इंटरनल है तो 4 हो गया। ठीक। इज मेल्टेड इनटू अनदर सॉलिड इन द शेप राइट सर्कुलर कोन। एक कोन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हेमीस्फीयर को किसमें कन्वर्ट कर दिया? इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम बराबर करना पड़ेगा, तो बोलेंगे 4/3 πr³। यानी 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 4 का क्यूब होता है 64। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 यहाँ जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा, 11 152। कितना आ जाएगा सर? 152 इंटू 152 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 πr² आर स्क्वायर हमें पता है क्या? आर स्क्वायर का 6 × 6 है, और एच का मान कितना पता नहीं। पाई से पाई चला गया, 3 से 3 चला गया, 6 है तो 5 × 2 = 7, 6 × 2 = 8 नहीं कटेगा, नहीं 3 से कटेगा, काटो जरा इसको दो बार में, 3 से कटेगा, 2 है तो 3 बार में आ गया, तो 3 × 3 = 9, 152 × 9। ठीक है, तो 9 से काटेंगे, 9 × 1 = 9, 6 × 2 = 9 से 63, 9 × 6 = 54, 16 point something आंसर आ जाएगा इसका। चलो आगे चलते हैं। बोलता है सेकेंड सी डी, एक सेकेंड सी डी है, इंटरसेक्ट करता ई और सेकेंड सी डी है, सेकेंड सी डी है, सी डी कहाँ पे कट कर रहा है सर्कल ई पर, एंड सी एफ इज़ ए टेंजेंट। और सी एफ क्या है? वो सी एफ एक टेंजेंट है, सी एफ यहाँ पे एक टेंजेंट है। इफ़ द लेंथ ऑफ सेकेंड सी डी इज इक्वल टू 25 cm एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट सी एफ इज इक्वल टू 12, तो फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ डी ई। डी ई का लेंथ बताओ क्या होगा? क्वेश्चन समझ में नहीं आया, चलो इसको आगे बढ़ते हैं। ए बी सी इंटीरियर एंगल है, ट्राइंगल ए बी सी का, तो व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ दिस। तो हम अगर ट्राइंगल ए बी सी मानते हैं तो होता है कोट ए बाई टू। तो इफ ए बी सी द इंटीरियर ऑफ एंगल दिस है, तो व्हाट इज द वैल्यू। हम एक चीज़ मान लेते हैं क्या, ए को मान लेते हैं कितना? 45 degrees, नहीं ए को मान लेते हैं 90 degrees, ए को मान लेते हैं 90 degrees, और बी प्लस सी को मान लेते हैं कितना? 90 degrees। ठीक, तो वैल्यू कटेगा तो आ जाएगा ना, तो कोट ए बाई टू, कोट ए बाई, कोट ए बाई, कोट 45 हो जाएगा, एक सेक बी प्लस सी, तो सेक 90, सेक 45 कितना हो जाएगा? तो सेक 45 हमारे पास कितना आ जाएगा? तो ये तो सिंपल से बना ना, कोट स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर आ रहा है। यानी कोट 45 की बात करेगा 1 माइनस सेक स्क्वायर 45 की बात करेगा 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस एक, इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा है। फिर ये बोल रहा है कि वैल्यू बताओ इसका एक्सप्रेशन में क्या आएगा। भाई तो यूनिट डिजिट तो काम नहीं करेगा, अब देखना पड़ेगा पूरा सॉल्व करके। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 576, और माइनस 176 करेंगे तो 400 आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 × 96 है, और इसको देखेंगे 128 से 4 भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस नहीं है तो 4 × 3 = 12 4 × 2 = 8 32 आ रहा है, तो 8 × 6 = 48 9 × 72 = 76 और 32 जोड़ देंगे यहाँ पर, 8 × 2 = 10 6 × 3 = 9 = 10 800 हो गया। अब प्लस, अब यहाँ देखते हैं तो 450 है, तो यहाँ से 5 कट गया, 450 200 आ गया। ठीक है, 1000 आ गया, 1000 आ गया, अब बटे यहाँ पे 400 हो गया, तो 00 से 00 चला गया, तो वैल्यू तो नहीं ना आया ऐसा ना, कुछ गड़बड़ कर दिया हमें। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 96 है, 8 × 48 बाकी का 4 9 × 72 = 76 और 128 बटे का 4 देखेंगे, 4 से काटेंगे, 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8 32 32 है, और प्लस 450 में से 250 जाएगा, हाँ 0 0 200 आ रहा है, यहाँ पे 200 आ रहा है, तो 8 × 2 = 10 7 × 3 = 10 800 इधर 200 1000 आ गया। यहाँ पर कुछ गड़बड़ किए हैं, 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 होता है, तो 576 तो 500 ना आएगा, तो 500 काटेंगे 2 आ जाएगा, गड़बड़ कर रहे हैं कैलकुलेशन में। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसा आ गया, तो बता एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा? तो ये तो क्वेश्चन जो पूछा वो क्वेश्चन लिखते हैं, तो क्वेश्चन जो पूछा होता लिखेंगे ही, और -3xyz होता है, तो -3xyz का मतलब होता है -3 3 तो हो गया माइनस का 2, यानी कि प्लस का 6 हो गया इधर, बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का हो गया तो 2 और उसका होल स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर, और माइनस थ्री
और इंटू माइनस का थ्री यानी प्लस का थ्री भी हो जाएगा, तो तीन तीन नौ, नौ इधर हो गया, दो दूनी चार, नौ चार तेरह, दूनी छब्बीस, छब्बीस में से फिर छः चला गया, बीस इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्या पूछ रहा है, व्हेन व्हाट इज़ अ रिमाइंडर तीन पे पावर नौ डिवाइडेड बाय पाँच, तो तीन पे पावर नौ का मतलब क्या, तीन पे पावर नौ का चार से भाग देंगे एक आ गया, तीन पे पावर एक आ गया यानी पाँच से डिवाइड तीन ही है, इसका आंसर आ जाएगा। फिर पूछता है कि व्हाट इज़ अ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नथना दिया, व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ एवोन एंड फायर स्टोन, एवरेज ऑफ एवोन एंड फायर स्टोन, तो इक्कीस और पैंतीस कितना हो जाएगा, पैंतीस परसेंट, पैंतीस हो गया ना, पैंतीस का बटा दो एंड टुगेदर एंड एवरेज ऑफ गुड ईयर एंड डोनाल्ड, हैं कौन है, तो गुड ईयर, गुड ईयर 12% और डोनाल्ड कितना 15%, पाँच दो सात यानी कि 27% है और ये 35% है बटा दो, तो 35 - 27 क्या हो जाएगा, 35 - 27 का मान कितना हो जाएगा, 8% है और 1350 का पूछ रहा है, तो 1350 का हो गया 8% से बटे का 100, तो जीरो से जीरो चला गया, पाँच को दो बार में काटेंगे, पाँच से काटेंगे, पाँच दिया 15, पाँच से 35, दो से काटेंगे चार बार में, सात चौका 28, चार दिया 12 - 2 = 14, और इसका आधा करेंगे तो होगा आंसर नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ एवोन एंड फायर स्टोन सोल्ड टुगेदर, तो एक ही चार एक पाँच, तो एक 35% का आधा कर देंगे एवरेज पूछा, एंड एवरेज नंबर ऑफ गुड ईयर एंड टोनोल्ड, गुड ईयर कहाँ है 12% एंड टोनोल्ड कितना 15%, तो 27% का एवरेज पूछा है, तो दोनों का डिफरेंस तो पूछ रहा है, 35 - 2 - 27 - 2 का एवरेज का पूछा है, तो एलसीएम में 2 आ जाएगा, 35 - 27 चला जाएगा 8 आ जाएगा, 4% के बारे में पूछ रहा है 1350 के बारे में, बटेगा 100, जीरो से जीरो चला गया, पाँच को हम दो बार में काटेंगे, पाँच का पाँच दूनी 10, पाँच से 35, दो से दो 27 - 54, इसका सही आंसर आ रहा है। ठीक है चलो, बोलता है लेंथ ऑफ ट्राइंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ रीजन लाइंग बिटवीन सर्कम सर्कल एंड द इन सर्कुलर ट्राइंगल, ठीक है एक ट्राइंगल है और एक इन सर्कल भी पाया जा रहा है, क्या बोलता है द लेंथ ऑफ साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है एंड द एरिया ऑफ रीजन लाइंग बिटवीन द, एरिया ऑफ रीजन लाइंग बिटवीन द, अच्छा ये पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, बताओ इसका मान क्या होगा, तो छोटी आर का वैल्यू क्या होगा, a/√3 होता है ना इसका, छोटकी आर का वैल्यू, तो आर हो जाएगा 12 2/√3, दो से काटेंगे छः बार में, छः है ना तो इसको लिख सकते हैं ना 2√3 लिख सकते हैं क्या, हाँ तो आर का मान 2√3 आ गया, तो आर का मान 2√3 है, अब बड़ा का मान कितना हो जाएगा, और बड़की कैपिटल आर का मान कितना होता है a/√3, हाँ ए का मान 16 है 12 है इंटू √3 इसको हो जाएगा 4√3, तो कैपिटल आर का मान इतना, तो हम बड़ा में से तो क्या करेंगे, बड़ा एरिया का कितना आ जाएगा, तो सर्कल है ना तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 4 × 16 16 3 48, ठीक और तो बड़ा निकल गया, माइनस क्या करेंगे इसमें से, माइनस क्या करेंगे, अगर हम इस सर्कल घटाते हैं तो निकल जाएगा, नहीं तो इस सर्कल घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस सर्कल घटाएंगे तो इसको इसको जोड़ कर माइनस कर देंगे, इस क्वेश्चन को तो निकल सकता है, इस क्वेश्चन को भी क्या करते हैं सेव, इसको भी सेव करते हैं, ठीक है इस क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं सेव कर लेते हैं, इसको समझेंगे लास्ट में, दो फिगर हैं ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे एक 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, कम्प्लीटली क्रॉस करता है 220 मीटर ट्रेन लॉन्ग ट्रेन को, 280 मीटर का लंबा ट्रेन है, क्रॉस करता 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन को जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है वाई सेकंड में, अगर फर्स्ट ट्रेन इस ट्रेवलिंग 54 किलोमीटर और दूसरा इतना, तो वैल्यू बताओ कुछ नहीं होगा, 280 में 20 जोड़ 300 - 500 मीटर हो गया और दोनों अपोज में 56 - 5 = 3 = 8 = 90 हो गया, तो 5/18 कर देंगे सेकेंड में आ जाएगा इंटू वाई, तो वाई का सेकेंड पूछ रहा है ना, ठीक है तो 5 है तो 18/95 हो गया, 5 के बार में 10 चला गया और 20/25 सेकेंड यानी 20 सेकेंड इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन फिर यहाँ पर है कि तीन ऑफर दिया गया, विच ऑफ द फ्लोइंग स्कीम विल फेस द मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज, कम से कम परसेंटेज किस में मिलेगा, 26 + 21 तो 6 × 7 = 47 -26 × 21 ये ना, तो किस गुना करेंगे 6 × 6 = 6 × 6 6 × 12 2 × 4 = 5 तो 5.46% घटेगा 47 में, ठीक है तो पॉइंट हो गया 54 तो 6 हो गया और 41% आ गया, ठीक है सेकंड की बात करें 27 = 3 27 = 3 30% यहाँ मिल रहा है डिस्काउंट,
बाई एट एंड गेट टेन, बाई एट एंड गेट टेन एंड गेट टेन, आठ खरीद बाई गेट थ्री फ्री, बाई आठ तो दो फ्री मिला, दो फ्री मिला कितना पे, दस पे, तो 20% यहाँ मिल गया ना इसको, आठ खरीदें और तुमको 10 मिल गया, यानी दो फ्री मिला कितना पे, 10 सामान पे, तो 20% सबसे कम किसे मिल रहा है, तो विच इज द मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज, कब से कम 20% इसी पे आएगा, और तीन खींचें 20 हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल 8, 13, x है और x कोई इंटीजर है, तो फाइंड द मिनिमम, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, एक फॉर्मूला इसका होता था क्या ऐसे, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल है ना, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी ग्रेटर देन होना चाहिए और a माइनस बी से कम होना चाहिए, ठीक है, तो जोड़ दो तुम दोनों को, 13, 8, 21 और a माइनस बी का मतलब 5, अब इसी के बीच में वैल्यू होगा और क्या होगा, अब 21 में से 5 चला जाएगा कितना आ जाएगा, 16, 16 में से 1 चला जाएगा, 15 पॉसिबल वैल्यू है। एक ट्रिक भी इसका था तो हो ही जाएगा, लेकिन बेसिक्स भी यहाँ, व्हेन p इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 20, 37, 64 इतना, देन प्रोपोर्शन आ जाए, व्हाट इज़ द मेन प्रोपोर्शन बिटवीन, ठीक है, किसका मेन प्रोपोर्शन क्या था, बोला 20 में से p गया, 37 में से भी p गया, 54 में से भी p गया, 105 में से भी p गया, तो p का मान बताओ क्या होगा, तो गुना करना पड़ेगा इससे लंबा चौड़ा, तो वैल्यू करना पड़ेगा हमको, तो कर देते हैं 105 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 210 होता है ना, तो 105 इंटू 2, 5 दुनी 10, 2 2100 हो जाएगा इधर, 2100 माइनस और 105 पी, ठीक है, और माइनस 20 पी प्लस का पी स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ भी जाएगा, करो फिर आएगा 54 इंटू 37, 54 इंटू 37 कितना आ जाएगा, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 2 37, 5, 4, 3, 12 बाकी के 1, 5, 3, 15, 16, 8, 7, 2, 9, 6, 3, 9, 1998 हो गया, 1998 हो गया, और माइनस का 37p माइनस 54p और माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो ही जाएगा, फिर 1998 को घटाएंगे इधर, तो 1998 में 2 जोड़ देंगे तो 2000 और 102 हो गया, और इधर देखेंगे 7, 4, 11, 6, 3, 9, 91p आ गया, और इधर से देखेंगे प्लस आ जाएगा 105, 125 घटा देंगे कितना जाएगा, 4 और 3, 34 आ गया, 34p, पी का मतलब कितना, 3 हो जाएगा ना, हाँ 3 आ जाएगा, पी का मान 3 आ रहा है, बस पी का मान 3 आ गया, वैल्यू पुट करना है, तो 3 + 7 = 21, 21 में से 5 चला गया, 21 में से 5 चला जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है, 16 और इंटू, और 3 × 4 × 4, 16 × 64 यानी इसका आंसर आ जाएगा 8। क्वेश्चन लंबा कर दिए बट उसको बेसिक्स बना लिए। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे का जो क्वेश्चन है वो है, द डिफरेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इतना एन एरिया इतना, व्हाट इज द पैरामीटर, द डिफरेंस बिटवीन द, एक राइट एंगल ट्राइंगल है कितना, 9 है, ये हो गया, द डिफरेंस बिटवीन द टू परपेंडिकुलर साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि अगर ये x होगा तो कन्फर्म ये x प्लस 2 ही होगा, ठीक है, एंड एरिया इसका इतना है, तो बताओ व्हाट इज द पैरामीटर, तो बोलेंगे 1/2, बेस कितना है पता नहीं x, और हाइट कितना है 1x + 2 पता नहीं, 31.5 है, तो हम इसको दोगुना कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस कर देंगे 31 × 62 = 63, यानी कि 9 और 7 करके आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब x का मान हमारा 7 निकल के आ जाएगा, ठीक, तो ये हमारा 7 हो गया, ये हमारा 7 × 2 = 9 हो गया, ठीक, अब 9 × 81 और 7 × 7 = 49, 9 × 1 = 10 और 9 × 4 = 13, 130, 130 हो गया, तो बताओ कितना आ जाएगा, तो एलसीएम 9 × 7 = 16, 16 + √130 हो जाएगा, 16 + √130 इसका सही आंसर आ जाएगा पैरामीटर। क्वेश्चन यही पूछा था, क्वेश्चन बन गया, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो इसको हम छोड़े हैं इसको देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर 5 का अगर हम बोलेंगे 5, 5 × 20 नहीं, 5 का क्यूब से तो कुछ होगा, 5 का क्यूब 125 और 5 को तो 15 घटा देते हैं, ठीक, 3 का क्यूब 27 होगा, या 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 6 का स्क्वायर कितना 36, इसको 3 से गुना करेंगे तो 6 × 3 = 18, 3 × 3 = 108 हो रहा है ना, 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर 25, 25 को नहीं ऐसा तो नहीं है, चलो इसको देखते हैं मैथ को ही, ये क्वेश्चन तो अभी देखने में लग रहा था बड़ा, ये क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं कि स्टोर में अरुण के पास मोबाइल फ़ोन खरीदने के 2 विकल्प हैं, तो वह 2500 रुपये की राशि का पूरा भुगतान कर सकता है या वह किस्तों में खरीद सकता है, यानी 520 रुपये का अग्रिम भुगतान और 4 बराबर किस्तों में 25% साल में दिया, अरुण किस्तों में मोबाइल फ़ोन रहता है, अरुण का मासिक किस्त क्या है, यानी कि 2500 रुपये पूरी किस्त पूरी जमा कर दें या 520 रुपये अग्रिम भुगतान करके,
520 रुपये का अग्रिम भुगतान करके और 4 वर्षों किस्त में देगा। तो 4 वर्ष किस्त में देगा तो पी पहला देगा। इस क्वेश्चन को हम बार बार छोड़ दे रहे हैं यार, हमेशा एग्जाम में छूट रहा है, पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट मेरा है। आते हैं RPRS एक चुनाव में डाले गए वोटों का 1/5 अवैध है, ठीक है, यानी 20% अवैध यानी 80% वैलिड है। आर और पी आर एस में आर और एस के पक्ष में डाले गए वोट वैध मतों का 1/4 है, तो वैध मत का 1/4 यानी कि 20% ना, हाँ। तो पी और आर और एस को, इस दोनों को 20% मिला, इसको 60% मिला, और उन्हें 5:3 का यानी 5:3:8 इसके अनुपात में वोट मिला, तो इसको कितना मिलेगा 5/20 और इसको मिलेगा 3/20 मिला। मशीन में खराबी के कारण एस के आधे वोट और अवैध वोटों को 5/5 आर के पक्ष में अतिरिक्त गिना जाता है। एस के आधे वोट और अवैध वोटों का 5/5 यानी 1/2 इसके रूप में चल, किसके रूप में चल जाता है, इसमें चल जाता है 5/20 प्लस 3/40 400, ठीक है। तो खराबी के कारण आर को कितने वोट मिले प्रतिशत है, तो आर को कितना वोट मिला खराबी के कारण, तो 20 यहाँ करेंगे 103/400, तो आर को मिले वोटों का कितना कुल प्रतिशत है, 103/400 में से 100 से घटा देंगे ना, तो कितना ज़्यादा मिल गया उसको, कितना मिल जाएगा, 4 से 103 काट दे क्या, 4 × 2 = 8, 2 = 3, 6 × 24, 6 से 3 जाएगा 5 × 24 = 3.0 नहीं आ रहा ना, ना अब क्वेश्चन पॉसिबिलिटी नहीं है। मैथ क्वेश्चन आज के लिए, अच्छा ये क्वेश्चन बनने लायक थे यार, ये भी क्वेश्चन बनने लायक थे, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ इसमें समझने में। मैथ 18 क्वेश्चन सिर्फ हो पाया है, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा था। मैथ के क्वेश्चन जो इसके थे आज थे लेंदी क्वेश्चन थे, इसके मैथ के क्वेश्चन बहुत ही लेंदी क्वेश्चन थे, ज़्यादा स्कोर नहीं आ पाया, नेगेटिव बहुत ज़्यादा चल गया है, बहुत ज़्यादा घटिया नंबर आया है नेगेटिव, बहुत ज़्यादा परसेंटाइल 71% ही आया है, 136 नंबर इसमें मात्र आया है। मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी थे, और अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन हमने रीजनिंग में गलती किया है, मैथ में जितना बनाया वो सही था ही, और जीके में हमारा 2 क्वेश्चन गलती हुआ, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में 9 क्वेश्चन गलती हुआ, इंग्लिश बहुत ज़्यादा डुबा रहा हमें, ठीक है। एवरेज मार्क्स 118 नंबर ही आ रहा है, 23 क्वेश्चन गलती हुआ है, टॉपर के 189 है। अब देखते हैं मीडियन कहाँ पर है, 121 से 140 के बीच 1507 बच्चे लाए, यानी मैक्सिमम बच्चे इसी रेंज में आ रहे हैं, और जो 200 के आसपास दो बच्चे आए हैं 181 से प्लस, 161 से 180 में 115 ही क्वेश्चन आए हैं बच्चे, और 141 से 160 में 845 हैं, और 121 से 140 1507 बच्चे जिसमें मैं भी शामिल हो गया हूँ 140 के आसपास, ठीक है। तो क्वेश्चन इसके लेवल अच्छे क्वेश्चन आज थे, इसका आंसर तो आज नहीं आएगा, कल ही आएगा, कल इसके बाद हो सके मिल जाए। तो 1278 आया है 4424 में से, जो कि 72% 70% यहाँ पर है, तो इस मॉक के हिसाब से मेरा जो मार्क्स है वो बहुत बेहतर माना जा सकता है, अपने आप को मैं एनालिसिस करूँ, क्योंकि क्वेश्चंस के अच्छे लेंदी थे मैथ के, मैथ बनने लायक थे बट टाइम टेकिंग बन रहा था, और बाकी जो इंग्लिश का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुआ इंग्लिश में, इंग्लिश सही हो जाए तो बहुत काम बन जाए। एक क्वेश्चन हमने गलती किया है रीजनिंग में, वो देखना पड़ेगा कौन सा गलती किए हैं, बाकी इसका जो जीके था वो भी जीके अच्छा क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन गलती हुआ, तो देखना पड़ेगा वो क्वेश्चन कौन सा था, 8 क्वेश्चन हमने छोड़ा, नहीं जब हमें जीके नहीं आया तो मैं छोड़ देता हूँ, नेगेटिव क्यों लूज करना, आप लोगों को देखता हूँ कि नेगेटिव ध्यान किसमें जाता है, आप लोग का नेगेटिव इसमें नहीं आता है, मेरा नेगेटिव इसमें नहीं आता है, इंग्लिश में मेरा नेगेटिव अच्छा आता है, आपका नेगेटिव जीके में आता होगा, अगर आप टॉपर होंगे तो आपका तो किसी में नेगेटिव ही नहीं आ पाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने 30 मिनट समय दिया तब जाकर 18 क्वेश्चन ही बन पाया, यानी बहुत ज़्यादा घटिया बहुत स्लो चल रहे थे, और 16 मिनट में हमने 25 क्वेश्चन को 24 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मेरा जी रीजनिंग में। तो ये रहा हमारा ओवरऑल मॉक का, ये अगर मैं प्रीवियस का दिखा दूँ आपको मॉक, जो मेरा प्रीवियस जो हमने दिया था 9 तारीख को, ये वाला 17 तारीख का, इसमें कितना हमने मार्क्स हमने स्कोर किया था 148.5, यानी कि इसमें लगभग 83% के आसपास परसेंटाइल था, इसमें भी मैथ हमारे नहीं बने थे, देखो इसमें भी हमारे मैथ नहीं बने थे, 30 मिनट लगा था मैथ, इसके भी क्वेश्चन हार्ड थे, लेकिन पिछली बार इंग्लिश अच्छा चला गया था इसलिए नंबर बूम हो गया था। और उसके बाद यहाँ पर अगला कौन सा था, इसके अलावा भी एक और हम दिखाते हैं लास्ट, ये वाला, ठीक है, 16 तारीख वाले का, और ये अटैम्प्ट ही नहीं किए थे, अटैम्प्ट नॉट फाउंड लिख रहा है ये तो, लेकिन अटैम्प्ट तो किया था मैंने, अटैम्प्ट तो हमने किया था इस क्वेश्चन को, मुझे तो याद है इतना है,
भाई तो 141.5 आया था, ये लाइव टेस्ट हुआ था, 63% आया था। इसमें जो क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन कह सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। ठीक, इसमें रीजनिंग बहुत ही टफ दिया था इसमें, तो क्योंकि गड़बड़ ज़्यादा वहाँ पे हुआ था। बाकी 125 नंबर इसमें सबका आ रहा था। और इसके अलावा मैं आपको फर्स्ट अपना दिखाता हूँ, फर्स्ट डे जो हमने उसका स्कोर किया था वो कितना आया था। तो फर्स्ट डे बहुत ही घटिया आया नंबर, हो सकता आया होगा, याद नहीं कि फर्स्ट, हाँ तो 121 नंबर। देखिए क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे थे, 121 नंबर पर 63% डाल था, यानी एवरेज के बच्चे का नंबर बहुत ही कम था, है ना। नेगेटिव हमारा 14 था। अब नेगेटिव में देखेंगे तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिलेगा। और मैथ हमेशा इसका जो है लेंदी रहता है, मैथ इसका आसानी नहीं होता, इसलिए बोलते हैं इसका मैथ ही तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लेंदी बन जाएगा तो वही बहुत आप ख़राब कर देगा। जी के में आपको आता है बना दीजिए, इंग्लिश आता तो बनेगा, रीजनिंग तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगेगा तो 15-20 मिनट तो रीजनिंग लेता है, लेकिन ये मैथ अगर ईजी आता है ना तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है, मैथ अगर हार्ड आ गया तो हार्ड हो जाएगा। और भी दिखाना चाहूँ तो आपको यहाँ देख सकते हैं, सेकेंड भी दिखाता हूँ आपको, चलो यानी दिखाना कि बहुत नंबर कम भी, बहुत बड़ा ऐसा नंबर हो जिस 100 से नंबर खुद मेरा कम हुआ है, लेकिन इसमें अच्छा नंबर आ रहा था, 137 नंबर आया था, नेगेटिव कम ही था। तो ओवरऑल मेरा अगर मैं बात करूँ ना तो मेरा जो इसमें आरबी में जो मॉक में जो मार्क्स आ रहा है ना वो लगभग 130 के आसपास ही सब रहते हैं, ठीक है, 130 के आसपास ही, लगभग 130 और 140 के बीच में मार्क्स मेरे हमेशा एवरेज देखने को मिला है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा मॉक आरबीई का जो कि कंप्लीट हो चुका है, आज से कितना 18 मॉक, अब कल एक्टिवेट हो जाएगा 19 और 20 हो सके, आ भी जाए या ना भी आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना मॉक तो बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था जो कि बहुत ही अच्छे मॉक थे, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनेशन के इरेलीवेंट भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल गए थे इसके, जो कि एग्जामिनेशन में उसका वेटेज इसका था ही नहीं, जिसकी इसका जो मैथ था ना शुरुआत का वो बहुत ही घटिया मैथ माना जाता था, यानी कि मुझे नहीं लगता एग्जामिनेशन में ऐसा पूछेगा, लेकिन लास्ट के जो इधर 5-6 मॉक जो हुए हैं ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस पे थे और क्वेश्चंस के एग्जामिनेशन से रिलेवेंट लग रहे थे। तो ये हमारा रहा आरबीए के मॉक, 130 कितना आया था भाई, 136 थे, हाँ 136 आया था, 71% आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस मॉक को दिया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और जाके इस मॉक को जरूर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।